भाई सच में लड़ रहे हैं। ऐसा अकेला आपने नहीं देखा हो, कभी भी नहीं देखा हो। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सभी आप मजे में होंगे। तो गाइस, फाइनली 3 साल के बाद हम कहीं जा रहे हैं। आज सोचो, 2 साल कोरोना में निकल गया, 1 साल घर कोई जा नहीं देता यार कहीं पे, पता नहीं क्यों। हम बोलते हैं यहाँ जा रहे, बगल में ही नहीं नहीं जाएगा, बच्चे हैं अभी हम लोग तो। कोई नहीं, फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं भाई, बहुत मजा आने वाला, बहुत बहुत मजा आएगा। तो अभी फिलहाल बज रहे हैं 2:20 और 10 मिनट में हम निकलेंगे। 4 बजे से हमारा ट्रेन है, तो 1 घंटा जाने में लग जाएगा, बिकॉज जाम वाम तो रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा। फिर वहाँ पे कुछ कुछ होगा पता नहीं, बट सभी बोल रहे हैं कि 2:30 बजे निकल जाना, 10 मिनट हम निकलेंगे। तो गाइज, मेरी सिर्फ एक ही बैग है जिसमें मेरा सारा सामान अट गया, और मैं गोप्रो भी लेके जा रहा हूँ, और ये साइड बैग। तो गाइज, इनका देखो लड़कियों को कितना सामान भरा हुआ, और एक बैग नीचे लेके भी जा चुके हैं। यहाँ बस मेरा डुक्कू का वहाँ खाना है। अच्छा, मम्मी फेस वॉश ले रही है। हाँ, फेस वॉश। थैंक यू सो मच। वेलकम बोलिए। क्या? हाँ, एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। गाइस, बाहर एलिफेंट आया, देखो। जय गणेश जी। यार ये बहुत अच्छा हुआ, मतलब जाने से पहले गणेश जी के दर्शन हो गए। वाह भाई, मतलब अच्छे से हम लोग जाएंगे, अच्छे से आएंगे और खूब मस्ती भी करेंगे। वाह भाई। और गाइस, सबसे जरूरी चीज मैं बोल रहा था, जो कि है ये आई एक्सपैंड। अगर मेमोरी फुल हो जाता है फोन में, तो इसमें हम आराम से ट्रांसफर कर लेंगे। मेरे पास 2 फोन है, 256GB 128 और एक और 256GB, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मुझे वहाँ पर नेट मिल जाए तो मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा, तो फिर आने के बाद करना होगा, तो कुछ भी हो सकता है, बट मज़ा बहुत आने वाला है। प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ, बहुत मज़ा आएगा, बहुत 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 मज़ा आएगा। और गाइस, सबसे ज़्यादा हेल्प मम्मी ने किया है, मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं ना, जो दिमाग में नहीं आता, वो चीज़ मम्मी खुद मेरे रूम पर रख के चली जाती थी बिना बताए। और भाई गर्मी देखो कितना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत। तो फाइनली अभी रूम निकलते हैं, बिकॉज टाइम हो गया। चलो, तो गाइस मम्मी को टीका लगाना नहीं आता, तो खुद से लगा रहे हैं। अरे नहीं, हाँ आता ही नहीं आपको। आता मदर बोले ना। तो गाइस, मम्मी को ये वाला टीका लगाना नहीं आता, देखो इस टाइप में, तो मैंने लगा लिया, इसने भी लगा लिया, खुद से लगाते हैं हम। और दही और चीनी भी खा लिए निकलने से पहले, गणेश जी के दर्शन भी हो गए, बाहर आए थे ना। तो फाइनली अब अच्छे से हम निकल रहे हैं यहाँ से, तो चलो। तो गाइस, मैं यहाँ से लेके जाऊंगा स्टेशन तक, बाकी आने टाइम एक अंकल साथ में जा रहे हैं, वो कार लेके आ जाएंगे। तो गाइस अभी बैठ चुके हैं, तो फाइनली हम लोग निकलते हैं। चलो, हर हर महादेव। गाइस, आधा घंटा का जाम मिल गया हमें रेलवे क्रॉसिंग के पास। 10 से 15 मिनट पहले ही वो लोग फाटक गिरा देते हैं, और अभी तक ट्रेन आया भी नहीं है। मतलब 15 मिनट उधर, 15 मिनट फिर और फिर जाम में फंसेंगे 15 मिनट, मतलब आधा एक घंटा यहीं पे लग जाएगा। तो फाइनली गाइस, हटिया स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी फिलहाल अभी अंदर जाते हैं, अंदर मामा लोग भी होंगे, तो उनसे ही मिलते हैं। चलो, आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। कितना? बहुत ज्यादा। गाइस ये रहा हटिया स्टेशन। तो गाइस, स्टेशन के अंदर एंट्री हो गई हमारी। तो गाइस टाइम पे पहुंच गए थे, तो फिलहाल अभी जाते हैं, अपने सीट में बैठते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं। तो गाइस फाइनली अंदर आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, और विंडो सीट मिल गई हमें। और जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा, जो भी कुछ होता है मेरे साथ, मेरे लिए जो नया होगा, जो चीज़ हो रखा होगा, सब कुछ शेयर करूंगा। और मैं बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है कि 3 क्लास में था ना, उस समय हम गए थे पूरी, उसके बाद आज जा रहे हैं, सोचो। और ट्रेन में वो भी कितना साल हो गया, 7-8, मुझे लगता है कि 10 साल हो गए होंगे भाई। 10 साल के बाद ट्रेन में बैठे हैं, 10 साल के बाद पूरी भी जा रहे हैं, तो क्या चेंजेस हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सब कुछ अच्छे से बताऊँगा आपको। गाइस ये सभी जा रहे हैं हमारे साथ, ये देखो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या? युवराज। और तुम्हारा? यसराज। गाइस तो पहला एक्सपीरियंस ये रहा कि आते ही देखो पानी बोतल का हमारे पूछा जा रहा है, पानी पीना है किसी को? नहीं। गाइस ट्रेन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जस्ट आके बैठेंगे, चाय और पानी पूछने के लिए आ गए। चाय बोलिएगा, चाय मैं तो बोल दूंगा, चाय फिर बोलेंगे लीजिए, नहीं आपने बोलने बोला था। तो गाइस ये बच्चा फुल स्वैग में जा रहा है, देखो चश्मा भी लिया, कितना मस्त वाला रंग बिरंगा भाई, घड़ी भी लिया, एप्पल वॉच देखो गाइस, एप्पल का वॉच लिया इसने। अच्छा तुम्हारा दांत को क्या हुआ? कौन खा गया? कीड़ा खा गया। तो फिर कीड़ा को तुम क्यों नहीं खाया फिर? क्या क्या? कभी जिंदगी में ट्रेन नहीं चलेगा? क्यों? अभी इतना लेट हुआ, फिर भी नहीं चला। अच्छा लेट हो रहा है इसीलिए नहीं चल रहा है। गाइस मेरा दिल धक धक कर रहा है, चल रहा है ट्रेन तो। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। अरे कहना क्या चाहते हो? नेट 4 बजे ट्रेन निकला है भाई पूरी के लिए। जो ट्रेन चलाता है ड्राइवर चलाते कि अपने आप चलता है ट्रेन? जो ट्रेन चलाता है वही चलाता है ट्रेन। कौन चलाता है? जो ट्रेन चलाता है इंसान।
हाँ। ये जो इनके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना ये सब, ये बॉर्न विटा पी कर ही आता है। फाइनली इसका चिप्स स्टार्ट हो गया। चिप्स सब कौन लिया था? चिप्स सब वही जंक फूड लवर। तो गाइस सभी खा रहे हैं तो मैं भी खा लूंगा पांच बार। तो गाइस हमने वेयर इज माय ट्रेन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया और देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन कहाँ पे है अभी। तो गाइस अभी हमने लिया है वेज चाउमीन और वेज कटलेट। गाइस ये बात तो सच है कि बैठे बैठे भूख बहुत ज्यादा लगती है, ऊपर खाते रहो खाते रहो खाते रहो ऐसा मन हो रहा है। आप लोग बाजार करने जा रहे हैं कि बाजार करके आ रहे हैं? अच्छा फिर जा रहे हैं बाजार करके। अच्छा ये ट्रेन में भी ये सब सब्जी बेचते हैं आप लोग? नहीं ट्रेन में नहीं बेचते हैं। अगर कोई अगर मांगता है तो दे देते हैं? पैसा लीजिएगा ना, पैसा तो लीजिएगा। अगर कोई बिना पैसा का मांग रहा है तो नहीं दीजिएगा? अगर किसी के पास पैसा है नहीं और आपसे मांग रहा है दे दीजिएगा? हम तो दे देंगे, हम तो दे देंगे। अगर वो मांगेगा ना मेरा पैसा नहीं है वो हम दे दोगे तो हम तो दे देंगे। वाह अभी हम आ गए गेट के पास, थोड़ा सा आगे जाना सही रहेगा या फिर गलत? कई नज़ारे देखो। अभी मैं गेट के पास हूँ और जो नज़ारे मेरे को दिख रहे हैं ना भाई, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ एकदम मस्त हरियाली ग्रीनरी दिख रहा है ना भाई, बता नहीं सकता बहुत मस्त लग रहा है। ऐसे नज़ारे मैंने आपके लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। गाइस सीट के लिए लड़ रहे हैं, देखो विंडो सीट के लिए लड़ रहे हैं। ओ भाई सच में लड़ रहे हैं। आओ बैठ जाओ मेरे सीट में आ जाओ। तुम क्यों नहीं बैठे? तभी से बैठी गई, स्टार्टिंग से बैठी हुई है। आ जाएगी उसके बाद रोते मत रहना समझी। देखते रहो देखो फिर भाई रो रही है क्या? हम बैठे भाडू को तेरे पास बैठे, हम लोग ब्लॉग बनाएंगे। चलो चल गाइस ट्रेन में सफर करते हो ना तो विंडो सीट में जरूर बैठना, बाहर का जो नज़ारा है ना उसका मजा लेना। नहीं स्टार्टिंग से तुम बैठी है, स्टार्टिंग से बैठी है, तुम पीछे बैठने को। गाइस मेरा हैंकी पूरा भीग गया है तो मैं सुखा रहा हूँ इसे, देसी जुगाड़। ओए छोड़। गाइस सनसेट हो रहा है और कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में। ये रहा हमारा शाम का चाय, अभी सो के उठा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ पे हैं। जाओ नहा लो ब्रश कर लो जाओ, सुबह हो गया। फोन तो एक मिनट के लिए भी छोड़ दो। गाइस फाइनली राउरकेला पहुँच गए। क्या होता है विमल? सुबह केसरी बोलो। सुबह केसरी। गाइस मुझे लगा ट्रेन कहीं रुकेगा, सीधा पूरी में जाके रुकेगा, अभी तक 10 से 15 बार रुक चुका है, एक टाइम भी ऐसा नहीं हुआ कि गर्मी नहीं लगा, कंटिन्यूसली गर्मी 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 गर्मी। बस बैठे बैठे कुछ नहीं है, बस भूख ही लग रहा है। गाइस अभी तक जो ट्रेन का एक्सपीरियंस रहा है बहुत मस्त रहा है, बहुत मस्त। गाइस ये बाथरूम है और यहाँ पे पता नहीं क्या होता है बट यहाँ पे है विमल और बाथरूम के ठीक बगल में डस्टबिन है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। गाइस टाइम हो रहा है 8:30 और सभी के यहाँ पे डिनर चल रहा है। ये मेरा डिनर। गाइस खाना पीना भी हो गया और अभी सब सोने की तैयारी करेंगे। गाइस फिलहाल ये बज रहे 8:50, यहाँ पे सभी सो गए, जाग रही है। यहाँ पे डुगू सोई थी जो कि गुस्से में आके यहाँ पे सो गई चाची के साथ और यहाँ पे मैं सो गया। तो फिलहाल अभी चलते हैं सोने और इस ब्लॉग को करते हैं एंड। हम जा रहे हैं पूरी, टोटल 3 दिन का ट्रिप है हमारा, तो 3 दिन खूब मस्ती करेंगे और फिर 9 तारीख को घर। तो फिलहाल अभी चलते हैं एडिटिंग पे। और ये जो ब्लॉग था मेरा ट्रेन में मतलब कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत सालों के बाद में ट्रेन में आया हूँ ना, कैसा एक्सपीरियंस था मेरा, क्या था, बस उसी से रिलेटेड ये ब्लॉग था। तो
को आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में पूरी मिलते हैं सीधा, कल सुबह पहुँच जाएंगे। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।